अंकल चड्डा आप हमें किधर ले आए हैं? बेटा ये हवेली है, इस हवेली में खजाना छुपा हुआ है। ओए खजाना किधर? मुझे अभी खजाना लेना है। ये कोई छोटी मोटी हवेली नहीं है, इधर एक शैतान का राज है। अंकल चड्डा इधर कौन शैतान रहेगा? ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन इस हवेली पे कोई शैतान का राज तो है। काफी लोग यहाँ खजाना लेने के लिए आए थे, लेकिन वो मुर्दा बन के वापस गए। अंकल चड्डा मुझे तो डर लग रहा है। अरे बेटा उसमें डरने की क्या बात है, क्या पता लोगों की बात झूठो, बस ऐसे ही दावे लगाए हो। बेटा हम सब अलग अलग रास्ते जाएंगे, पहले तुम उस सीढ़ी से ऊपर जाओ। अच्छा और हाँ जिल्लू तू सीढ़ी से। अच्छा जी और अपने पोटी बॉय शोन तू जिल्लू के साथ ही। मैं आपके साथ जाता हूँ। बेटे डर मत। अंकल चड्डा जाना तो मैं भी चाहता हूँ खजाने लेने के लिए, लेकिन मुझे डर लग रहा है, जो आपने बोला है ना कि शैतान का राज है। चल बच्चा साथ ही चलते। अंकल चड्डा अंकल चड्डा अंकल चड्डा क्या हुआ बेटा, कुछ हैरत तो है? अंकल चड्डा टिल्लू को कोई उठा के ले गया है। क्या शायद उसे वो शैतान ही उठा के ना ले गया। अरे क्या हुआ, कुछ खैरियत तो है? आप दोनों परेशान लग रहे हैं। बेटा टिल्लू घूम हो गया। क्या अभी तो मुझे और डर लग रहा है, टिल्लू को कोई उठा के ले गया। अंकल जी मैं टिल्लू को ढूंढ के लाता हूँ। बेटा नहीं, वो शैतान तुम्हें भी उठा ले जाएगा जैसे वो टिल्लू को उठा के ले गया। हाँ जिल्लू अंकल चड्डा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अंकल चड्डा शोन काश मैं तुम्हारी बात मान लेता, लेकिन मैं बहुत मजबूरी में हूँ, वो मेरा दोस्त है, मैं उसको बचाने जा रहा हूँ। बेटा नहीं। अंकल चड्डा अरे वो देखो जिल्लू तो हमें बुला रहा है, चलो जिल्लू के पास चले। अंकल जी मैं आपको 100 बार बता चुका हूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे साथ देख जाए। क्या हुआ भाई? यार मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूँ, वो देख हमारी तरह के कुत्ते। दोस्तों बचाओ, अंकल चड्डा जिल्लू शोन है? ये तो गुल्ली तो टिल्लू की आवाज है। टिल्लू तो यहाँ कैसे आया? उस शैतान ने मुझे इन जंगली कुत्तों के सामने छोड़ दिया है। ये जंगली कुत्ते लग रहे तुझे? ये तो इंसान की खोपड़ी है। यार जो भी है मुझे यहाँ से निकाल, मैं यहाँ बहुत तरफ तरफ के फंस चुका हूँ। गुल्ली मिल गया है। मुझे मैं भी आ रहा हूँ। गुल्ली बैठा मैं तुझे निकाल दो, पीछे हो जाओ। चलो शुक्र है मैं तो निकल गया। हाँ सही बात है, शुक्र है मेरा भाई टिल्लू तो बच। अंकल चड्डा टिल्लू अभी क्या करें, अभी इस हवेली से कैसे निकलेंगे? इस हवेली में तो बंद तो हो गए लेकिन निकलेंगे कैसे? हाँ यार निकलेंगे कैसे, इन छेदों से तो हम आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन ये छेद जादुई दीवार से बंद है। उस शैतान के पास काफी सारे काले जादू का टोटका है, उसने ये जादुई दीवारें बनाई है ताकि कोई भी उसकी हवेली में आके आसानी से अंदर आ जाए लेकिन मुश्किलात से बाहर निकले। वो जो भी आदमी उसकी हवेली पे आता है वो उसको मार देता है, फिर उसको भी शैतान बना देता है। इस हवेली से वही बाहर निकल सकता है जो इस हवेली पे एक रात गुजारे, और उस आदमी की भी एक रात बहुत मुश्किल से गुजरती है। हर वक्त उसके सर पे शैतान का डर सता रहा होता है कि शैतान उसको सोते हुए भी मार ना दे। अंकल चड्डा मुझे तो और डर लगने लगा है, हम यहाँ एक रात गुजारेंगे भी तो कैसे?
बेटा मैं भी सोच रहा हूँ कैसे निकलेंगे हम। यार मुझे तो डर लग रहा है। अंकल चड्डा आपने हमें इस हवेली पे ला के बहुत बड़ी गलती कर दी। बेटा मुझे माफ कर दो। अरे मैं तो भूल गया। अंकल चड्डा इस वक्त क्या भूल सकते हैं? बेटा ये जो लाल और पीली रंग की तस्वीर देखी है ना, ये शैतान की तस्वीर है। इस तस्वीर से शैतान कभी भी कहीं भी जगह आ सकता है। और हाँ, जैसे कि इस दीवार के पीछे शैतान है तो इस तस्वीर के जरिए अंदर आ सकता है, इसलिए कोई भी शैतान की तस्वीर के बिल्कुल करीब ना आए। चलो एक रात गुजार लेते हैं, लेकिन हम सोएंगे किधर? बेटा मैं भी यहाँ हवेली के अंदर ही आके मैं कब का सोच रहा हूँ कि हम सोएंगे किधर। यार मुझे भी नहीं पता हम किधर सोएंगे। इस हवेली में कहीं भी वो शैतान मौजूद हो सकता है। हमें कहीं भी सो जाना चाहिए ताकि हम जमीन पे लेट के भी सो सकते हैं। चलो मैं तो जा रहा हूँ सोने। गुड मॉर्निंग बच्चों। अंकल चड्डा मुझे सारी रात नींद नहीं आई। अंकल चड्डा सारी रात तो नींद ही नहीं आई, लेकिन आज नींद आ रही है, जल्दी से निकलना होगा हमें। दोस्तों मत के खुश हो, दरवाजा शैतान ने खोल दिया है, अभी हम निकल सकते हैं। अरे वाह ये तो बहुत अच्छा। अंकल चड्डा इसी खुशी में मुझे एक डांस आ रहा है, चलो मैं डांस करता हूँ एक। भाई इस छोटी सी जगह पे कौन डांस करता है, चलो नीचे जाके डांस करते हैं। Oh, you got it, animes. You never see because.